छन पकैया, खबर लेकर आ गए आपका खबरें भैया। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान के बेटे को एनसीबी की टीम ने मुंबई से गोवा जा रही क्रूज शिप पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि वहां पर ड्रग पार्टी हो रही थी। एनसीबी की टीम ने वहां से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाम आर्यन खान का भी है। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने शाहरुख खान को ट्रोल करना शुरू कर दिया और अपनी सभी हदें पार कर दी और ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसको सुनने के बाद आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। कुछ लोगों ने लिखा कि शाहरुख खान का बेटा नशेड़ी, तो कुछ लोगों ने ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा के साथ आर्यन खान को कंपेयर किया। उन्होंने नीरज चोपड़ा की फोटो पर लिखा गेम एडिक्टेड और आर्यन खान की फोटो पर लिखा ड्रग एडिक्टेड। जहां पर कुछ लोग शाहरुख खान के खिलाफ दिखाई दिए, तो वहीं उनके सबसे अच्छे दोस्त सलमान खान उनका साथ देने के लिए उनके घर मन्नत में देर रात को पहुंच गए। तो वहीं पूजा भट्ट ने शाहरुख खान की सपोर्ट में ट्वीट करते हुए कहा कि मैं आपके साथ खड़ी हूं, आपको इसकी जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपके साथ हूं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बॉलीवुड का ग्रीक मैन ऋतिक रोशन और एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ एक बार फिर से आ रहे हैं वार करने के लिए। मेरा मतलब कि ये दोनों अपनी सुपर डुपर हिट फिल्म वार का सिक्वल लेकर आ रहे हैं, और इस बात की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने दी। उन्होंने बताया कि जब हम वार शूट कर रहे थे तो हमने सोच लिया था अगर फिल्म हिट होती है तो इसका सिक्वल बनाया जाएगा। अब उसी के चलते हुए एक बार फिर से वार के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन। आर्यन खान को क्रूज पर छापा मारकर पकड़ने वाली एनसीबी की टीम अब खुद सवालों के कटघरे में आकर खड़ी हो गई है, और यह सब कारनामा हुआ है बिना बालों वाले एस भाई साहब की वजह से, जो एनसीबी की हिरासत में बैठे आर्यन खान के साथ बड़े मजे में फोटो खिंचवा रहा है जैसे अपनी मौसी की शादी में आया हो। और इस जनाब की ये सेल्फी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है। आखिर कौन है ये इंसान, और क्या एनसीबी के ऑफिस के अंदर ऐसे हालात थे कि कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा आकर वहाँ आराम से सेल्फी ले ले, और या फिर ये कोई एनसीबी टीम का अधिकारी था। और अब इस मामले के बाद एनसीबी की टीम ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि ये एनसीबी का अधिकारी नहीं है। और एनसीबी की ये स्टेटमेंट के बाद लोगों ने एनसीबी की टीम को आड़े हाथों लिया और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी एनसीबी के ऑफिस के अंदर आराम से सेल्फी ले ले। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार ब्रेक के बाद अब काम पर लौट आए हैं। अक्षय कुमार ने दिल्ली में अपनी अगली फिल्म रक्षा बंधन की शूटिंग शुरू कर दी है। पुरानी यादों को ताजा करते हुए अक्षय कुमार ने अपने जन्म स्थान दिल्ली के चांदनी चौक की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, आज चांदनी चौक पर दौड़ लगाते हुए कई पुरानी यादें ताजा हो गई, क्योंकि ये मेरा जन्म स्थान है और उन लोगों की बातें सुनना कभी पुराना नहीं होता। छन पकैया, खबर लेकर आ गए आपका खबरें भैया। म्यूजिक स्वैग और एंटरटेनमेंट से भरी फन और मस्ती, गेट रेडी टू एक्सपीरियंस अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ यूथ। यू आर वॉचिंग प्राइम यूथ टीवी, सब चलता है।